देखिए, सीबीआई ने पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए जो है आज अपना आवेदन दिया था, उस पर 18 तारीख लगी हुई थी। आज इस पर बहस हुई दोनों पक्षों में और हम लोगों ने अपना पक्ष रखा कि यह मानवाधिकार का हनन है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने इसके संदर्भ में कई आदेश दिए हैं कि बगैर अभियुक्त की सहमति के पॉलीग्राफ टेस्ट नहीं कराया जा सकता। ऐसे में कोर्ट को अब निर्णय लेना है कि अभियुक्त सारे जो तीनों अभियुक्त जेल में बंद हैं, आनंद गिरी जी समेत तीनों लोगों ने इस टेस्ट को कराने से अपनी अनभिज्ञता और असहमति जाहिर की, तो निश्चित तौर पर माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो गाइडलाइन है उसका पालन न्यायालय करेगी और जो भी निर्णय होगा किसकी बेंच से मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रयागराज।